अंग्रेज़ों को तीन अफगान जंगों का बहुत बुरा तजुर्बा था। फ्रंटियर प्रोविंस और फाटा में बार बार उठती बगावतों ने भी उनको बहुत परेशान कर रखा था। ऐसे में उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की रहनुमाई में चलती पूरी तरह से अमन पसंद तहरीक को भी अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझा। चाहे ये तहरीक अमन पसंद थी, पर थी तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ही। इसलिए खान साहब की रहनुमाई में चलती उस तहरीक को ब्रिटिश हुकूमत ने सख्ती से दबाना शुरू किया। 1930 तक इस तहरीक के कई रहनुमाओं को फ्रंटियर प्रोविंस से निकाल दिया गया। कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। सूबा सरहद में ब्रिटिश हुकूमत ने तशद्दुद का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसका पूरी तरह से जिक्र करना नामुमकिन है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते निहत्थे पठानों को मार मार कर उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती, लेकिन वो चुप नहीं करते और नारे लगाते ही रहते थे। उनकी बेइज्जती करने के लिए उनकी दाढ़ियां काट दी जाती, उनकी दाढ़ियां शेव कर दी जाती। अगर वो लोग कहीं बैठकर धरना देते तो उन पर गाड़ियां चढ़ा दी जाती या पुलिस वाले अपने घोड़े उन पर चढ़ा देते। उनको जेलों में डालकर सख्त से सख्त सिए दिए गए। उनको सख्त सर्दी के दिनों में तालाबों या नदियों में फेंक दिया जाता था। हजारा में हरिपुर जेल में कितने ही ऐसे लोग शहीद हो गए, उनके घर उजड़ गए, उनके बच्चे यतीम हो गए। कई पश्तूनों को कैस्ट्रेट तक भी कर दिया गया। लेकिन ये पठान ना झुकने वाले थे ना झुके। इन्होंने नॉन वायलेंस का, अहिंसा का दामन नहीं छोड़ा और मर्दों की तरह ब्रिटिश इंडियन हुकूमत के जुल्मों का सामना करते रहे। वक्त के साथ साथ ये सोशल मूवमेंट सियासी रूप लेने लगी, जो 1929-1930 तक खुदाई खिदमतगार की शक्ल में सामने आई। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है खुदा के खिदमतगार, भगवान के सेवक। खुदा की खिदमत का मतलब खुदा की खलकत की खिदमत होता है, भगवान के बंदों की, भगवान के बनाए हुए लोगों की सेवा करना होता है। खुदाई खिदमतगार तंजीम ने पश्तून समाज पर लंबे वक्त के लिए अपनी गहरी छाप छोड़ी, जिसका असर अब भी उस पुराने सूबा सरहद में देखा जाता है जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। 23 अप्रैल 1930 को उत्मन जईमे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने एक मीटिंग को खिताब किया। उन्होंने लोगों को कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की जाए, ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया जाए। उस स्पीच के बाद उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कई जगहों पर मुजाहरे हुए। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में एक बहुत बड़ी भीड़ मुजाहरे में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुई। मुजाहरा रोकने के लिए वहां ब्रिटिश इंडियन फौजी बुला लिए गए। भड़की हुई भीड़ ने वहां पे एक ब्रिटिश डिस्पैच राइडर को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को आग लगा दी। इसके जवाब में फौज ने दो फौजी गाड़ियां लोगों पर चढ़ा दी, जिससे कुचलकर कुछ लोग मारे गए। वहां इकट्ठे हुए पश्तूनों ने वहीं बैठे रहना ठीक समझा और ब्रिटिश इंडियन फौजियों से पीछे हटने की मांग करने लगे, ताकि वो अपने मारे गए लोगों को उनकी लाशें उठा सके और जो लोग उनके जख्मी हुए उनको संभाल सके। ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स ने पीछे हटने से साफ मना कर दिया, ब्रिटिश फौजियों ने पीछे हटने से मना कर दिया। इस पर खुदाई खिदमतगार भी वहीं डटे बैठे रहे। जब खुदाई खिदमतगारों ने वहां पड़ी लाशों को उठाने और अपने जख्मी साथियों को संभालने की कोशिश की, तो ब्रिटिश फौजी अफसरों ने उन निहत्थे खिदमतगारों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। गोलियां चलने से आगे की लाइन के कुछ खुदाई खिदमतगार शहीद हो गए। अपने साथियों को शहीद हुए देख उनके पीछे वाले खुदाई खिदमतगार उठे और आगे बढ़े। फौजियों ने उन पर भी गोलियां बरसा दी। बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए
وہ نہتھے خدائی خدمتگار وہیں جامع شہادت پی گئے. اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا خدائی خدمتگار آگے آ کر بے خوف ہو کر اونچی آواز میں اللہ اکبر بولتا گیا اور اپنے سینے پر گولیاں کھاتا گیا اور شہید ہوتا گیا. کئی خدائی خدمتگار اپنے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑ کر آگے بڑھتے اور فوجیوں کے سامنے اپنا سینہ تان کر بلند آواز میں اللہ اکبر بولتے. چلتی گولیوں کے سامنے ان کے پیر تھوڑا سا بھی نہیں کانپتے تھے. ہاتھ میں قرآن تھامبے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے یہ پشتون پشاور کے قصہ خوانی بازار میں شہید ہوتے گئے. گولی لگنے سے نیچے گر کر کچھ پشتون پھر کھڑے ہو جاتے, ان کو پھر اور گولیاں لگتی. اس طرح ان کو کئی کئی گولیاں لگتی تھیں. کئی شہید ایسے تھے جن کو 20-21 تک گولیاں بھی لگی تھیں. کئی پشتون گولیاں لگنے سے بری طرح سے زخمی ہو جاتے اور پھر اٹھ نہیں پاتے تھے. ان کے پیچھے بیٹھے دوسرے پشتون ان کو کھینچ کر پیچھے کر دیتے اور خود کھڑے ہو کر فوجیوں کے آگے اپنا سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے. نہ یہ بے خوف پشتون آگے آنے سے ہٹے, نہ برٹش انڈین ٹروپس کی فوجیوں کی گولیاں رکی. وہاں کسی طرح کی کوئی بھگدڑ نہیں مچی. خدائی خدمتگار آرام سے اور ترتیب سے آگے بڑھتے, گولیوں کا سامنا کرتے اور نیچے گرتے جاتے. جو لوگ زخمی ہو جاتے ان کو بنا کوئی بھگدڑ مچائے اپنے پیچھے کر کے کوئی اور پشتون اپنا سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا. دن میں 11 بجے شروع ہوا شہادتوں کا یہ دور شام 5 بجے تک چلا. یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے. سرکار نے اس گھٹنا سے جڑی ہر بات کو دبانے کی کوشش کی. سرکار نے محض 20 لوگوں کے مرنے کی بات ہی مانی تھی. غیر سرکاری انومانوں کے مطابق شہیدوں کی تعداد 250 سے لے کر 400 تک تھی. خدائی خدمتگاروں پر انگریزی ظلم کی داستان صرف اتنی نہیں ہے. صوبہ سرحد میں کئی جگہوں پر خدائی خدمتگاروں کو انگریزی حکومت کے ظلموں کا سامنا کرنا پڑا. جگہ جگہ ان پر گولیاں چلائیں گئی, ان کے گاؤں پر بمبوں سے حملے کیے گئے. خدائی خدمتگاروں پر پشاور اور آس پاس کے علاقوں میں سب سے زیادہ ظلم ہوئے. نہ صرف صوبہ سرحد بلکہ قبائلی علاقوں میں بھی پشتون لوگوں پر بے انتہا ظلم کیے گئے. جیسے وزیرستان میں ایسی ہی ایک کارروائی میں 60 سے بھی زیادہ لوگوں کا قتل عام برٹش حکومت نے کر دیا تھا. برٹش فوجی کسی بھی گاؤں کو گھیر لیتے اور لوگوں کا آنا جانا بند کر دیتے. فوج کا گھیرا کئی بار بہت لمبے وقت تک چلتا. گھیرے میں آئے گاؤں کے لوگوں اور ان کے جانوروں کے بھوکے مرنے کی نوبت تک بھی آ جاتی تھی. امن پسند ان پشتون مسلمانوں پر انگریزی حکومت کے غیر انسانی ظلموں نے انہیں برٹش انڈین حکومت کا پکا دشمن بنا دیا. انگریزی حکومت بھی سمجھ چکی تھی کہ خدائی خدمتگار ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں. جب ظلموں سے وہ خدائی خدمتگاروں کو جھکا نہیں سکے تو ان کے خلاف سر اور خان بہادر جیسے خطاب حاصل کرنے والے لوگوں کو 1937 کے الیکشنز میں کھڑا کر کے ہرانے کی زوردار کوششیں کی گئی تھیں. جب اس میں بھی انگریزی حکومت کو پوری کامیابی نہ ملی تو آل انڈیا مسلم لیگ کو صوبہ سرحد میں ہر طرح کی مدد دے کر خدائی خدمتگاروں کے خلاف کھڑا کیا گیا. خدائی خدمتگاروں اور انڈین نیشنل کانگریس کے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ صوبہ سرحد آخرکار پاکستان کا حصہ بن گیا. خیر, میں خدائی خدمتگاروں پر برٹش حکومت کے ظلموں کی بات کر رہا تھا. برٹش حکومت کے غیر انسانی ظلموں کا لگاتار شکار بن رہے
खुदाई खिदमतगारों को भारत की दूसरी सियासी जमातों की हमायत की ज़रूरत महसूस हुई ताकि खुदाई खिदमतगारों को सरकारी जुल्म से बचाया जा सके। इसके लिए उन्होंने भारत में दूसरी सियासी पार्टियों से राबता कायम करने का फैसला किया। गफ्फार खान साहब ने अपने लोगों से कहा, भारत में कई मुसलमान नवाब हैं। भोपाल के नवाब हाफिज मोहम्मद हमीदुल्ला खान बहादुर पश्तून हैं। रामपुर के नवाब सईद मोहम्मद रजा अली खान बहादुर हैं। उनसे मिलो, उनको बताओ कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उनसे कहो कि हमारी मदद करो, कम से कम हम पर हो रहे जुल्मों की बात तो करो। किसी भी नवाब ने खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की मदद करने की हामी नहीं भरी, खुदाई खिदमतगारों की मदद करने की हामी नहीं भरी। वो नवाब खुद ही अंग्रेजों की हिफाजत में रहकर जी रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुदाई खिदमतगारों की क्या मदद करनी थी। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ऐसे जिम्मेदारों की पार्टी थी जिनको ब्रिटिश हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। यूनियनिस्ट पार्टी के रहनुमा ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनकी सेवा से खुश होकर ब्रिटिश हुकूमत ने उनको सर का खिताब दिया हुआ था, सर। ऐसे में यूनियनिस्ट पार्टी की तरफ से खुदाई खिदमतगारों की हिमायत या मदद की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी खुदाई खिदमतगारों की तरफ से यूनियनिस्ट पार्टी से संपर्क किया गया। यूनियनिस्ट पार्टी ने खुदाई खिदमतगारों से दूरी बनाई रखना ही ठीक समझा। खुदाई खिदमतगारों की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी राबता कायम किया गया। मुस्लिम लीग भी अंग्रेज प्रस्त पार्टी थी, उसने भी खुदाई खिदमतगारों की कोई मदद नहीं की। इसके बाद खुदाई खिदमतगारों की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस से राबता कायम किया गया। गांधी जी ने खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के लिए हमदर्दी दिखाई, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उनको कांग्रेस पार्टी से जुड़ना होगा। खुदाई खिदमतगारों ने जब गांधी जी की ये बात खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को बताई तो उन्होंने कांग्रेस से जुड़ने के लिए फौरन रजामंदी दे दी। ये वो दौर था जब मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और अकाली दल के मेंबर्स को भी कांग्रेस का मेंबर्स बनने की इजाज़त हुआ करती थी। कोई इंसान एक ही वक्त मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या अकाली दल का मेंबर होने के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर भी हो सकता था। बिल्कुल इसी तरह जो पश्तून खुदाई खिदमतगार थे वो कांग्रेस के भी मेंबर बन गए। खुदाई खिदमतगारों के कांग्रेस मेंबर्स बनते ही खुदाई खिदमतगारों पर हुए ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों की तहकीकात के लिए गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर एक इंक्वायरी कमेटी फ्रंटियर प्रोविंस के लिए भेज दी। पटेल को सूबा सरहद की एडमिनिस्ट्रेशन ने सूबे के अंदर ही दाखिल नहीं होने दिया, उन पर पाबंदी आयद कर दी। कांग्रेस की ये इंक्वायरी कमेटी पंजाब में ही रुकी रही। पठानों ने सोचा कि अगर कांग्रेस की इंक्वायरी कमेटी को फ्रंटियर प्रोविंस में दाखिल होने की इजाजत नहीं है तो क्या हुआ। पठान तो खुद चलकर कांग्रेस की उस इंक्वायरी कमेटी के पास पंजाब में जा सकते हैं, तो खुदाई खिदमतगार अपने उन पश्तूनों को इंक्वायरी कमेटी के पास ले आए पंजाब में जिन पर ब्रिटिश हुकूमत ने गैर इंसानी तशद्दुद किए थे। इनमें ख़ास तौर पर वो लोग शामिल थे जिनको अंग्रेज़ों ने कास्टेड कर दिया था। खुदाई खिदमतगारों पर हुए जुल्मों के बारे में कांग्रेस ने पूरे मुल्क में प्रचार किया। इससे पूरे भारत में ही कोहराम मच गया। दबाव में आकर ब्रिटिश हुकूमत ने खान अब्दुल गफ्फार खान साहब समेत दूसरे खुदाई खिदमतगार जो रहनुमा थे या आम खुदाई खिदमतगार थे उनको भी रिहा कर दिया और इनकी तहरीक पर लगाई पाबंदियां हटा ली। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान साहब गांधी जी के बहुत नज़दीक हो गए। नॉन वायलेंस या अहिंसा की उनकी पॉलिसी की वजह से गफ्फार खान साहब को सरहदी गांधी कहा जाने लगा। सुबह सरहद में रहने वाले आदमी को सरहदी कहा जाता था, इसलिए सुबह सरहद के रहने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को
सरहदी गांधी कहा जाने लगा। यहां दो बातें मैं साफ कर देना चाहता हूं। पहली बात यह कि खान साहब कांग्रेस में शामिल होने से पहले से ही या गांधी जी के रबते में आने से पहले से ही वो जंगे आज़ादी में कूद चुके थे और सभी पश्तून इलाकों में बहुत मशहूर थे। दूसरी बात यह कि नॉन वायलेंस की, अहिंसा की उनकी नीति उनके कांग्रेस में आने से या गांधी जी के संपर्क में आने से शुरू नहीं हुई, बल्कि वो तो शुरू से ही नॉन वायलेंस की पॉलिसी पर, अहिंसा की नीति पर वो चल रहे थे। कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश इंडियन हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने से खुदाई खिदमतगारों की तारीख का एक नया दौर शुरू होता है।